हाई गाइस, हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पी ब्लॉक में ग्रुप 15 स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं। नाइट्रोजन ओवर हो गया है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी करनी है और इसके बाद फॉस्फोरस, और ये ग्रुप भी हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो हम लोगों ने नाइट्रोजन का जो एक कंपाउंड है अमोनिया, उसकी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। उसकी प्रिपरेशन मेथड मैंने आप लोग को बता दी है और आज मैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने वाली हूँ और उसके यूजेस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो अमोनिया, जिसके पास लोन पेयर होता है, वाटर में अगर हम इसको डिसॉल्व करें तो ये बेस फॉर्म करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे फॉर्म करता है? आप लोग को पता होगा कि वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और OH नेगेटिव में। अब ये H प्लस मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये चला जाएगा यहाँ इसके लोन पेयर के साथ। मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो उसको यूज़ करता है और इस H प्लस को यहाँ पर ले आता है और खुद हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इसके पास टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन? 4। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं अमोनियम आयन, और बाकी बच गया ये OH नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो इसके साथ OH नेगेटिव आ जाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया में। इट इज़ कलरलेस गैस विथ पंजेंट अडर। तो ये एक कलरलेस गैस है जिसकी अडर कैसी होती है? पंजेंट मतलब बहुत ज़्यादा तीखी। जैसे ही हम लोग बॉटल को ओपन करते हैं तो बहुत तीखी सी झांस टाइप की लगती है और एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है कि हम लोग को पता चल जाता है कि बॉटल में जो लिक्विड है वो अमोनिया है। एंड नेक्स्ट, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है लाइक दिस। ये है अमोनिया और यहाँ पर मैं इसको बना दूँ वाटर यहाँ। तो ये क्या करता है एक्चुअली में, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पर ये बॉन्ड भी कैसा हो जाएगा? पोलर, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट ऐसे हैं जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो बॉन्ड कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है। कौन कौन से हैं वो? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है और वाटर में क्या है? ऑक्सीजन। तो क्या करेगा ये? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसकी वजह से ये वाटर में क्या हो रहा है? सॉल्युबल हो रहा है, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अमोनिया में भी। नाउ नेक्स्ट है, इट्स वेपर डेंसिटी इज 8.5, बहुत ही कम है, इज लाइटर देन एयर। एयर से भी क्या होती है? कम। जैसे अब मैंने आप लोग को N2 की बताई थी, उसकी होती थी 14, वाटर से ज़्यादा, ये एयर से ज़्यादा होती थी, लेकिन जो अमोनिया है उसकी वेपर डेंसिटी बहुत ही लो होती है। नाउ नेक्स्ट इज इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक। इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक होता है, क्योंकि जैसे ही हम इसको एक्वा मीन्स वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो ये एक बेस फॉर्म करता है और किस तरह से करता है ये मैंने बता दिया कि किस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो डिसोसिएट होंगे H प्लस और OH में। H प्लस मतलब इसके पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा? ऐसे न्यूक्लियस के पास जिसके पास क्या होगा, ऐसे एटम के पास जिसके पास लोन पेयर हो। तो ये जाके यहाँ लोन पेयर के साथ बॉन्डेड हो जाएगा और फॉर्म करेगा अमोनियम आयन, NH4 आयन। दिस इज, अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या बचा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का
और बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ ओएच मॉलिक्यूल पे। तो जितने ज़्यादा ओएच मॉलिक्यूल होंगे वो उतना ही बेसिक होगा। तो ओएच होने की वजह से जो अमोनिया है वो कैसा हो जाता है? बेसिक नेचर। और आप लोग को पता भी होगा कि अमोनिया इज़ अ जो है अपने ग्रुप का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होता है। वाई? क्योंकि इसके पास क्या होता है? लोन पेयर, और इसका साइज जो होता है बाकी सभी से स्मॉल होता है, और स्मॉल होने की वजह से ये इजीली अपने लोन पेयर को लूज कर देता है, किसी को डोनेट कर देता है। तो जो भी मॉलिक्यूल जितनी इजीली अपने लोन पेयर को लूज करे वो उतना ही अच्छा लुईस बेस होता है। ओके तो जल्दी से आप इसको नोट करिए कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद हम नाउ इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, और बाकी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं लाइक दिस। तो थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर। तो लोन पेयर हो गया इसके पास वन, एंड बॉन्ड पेयर थ्री, तो टोटल हो गया फोर। मतलब इसमें अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एस और पी का थ्री, एस पी थ्री, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो इसका शेप होगा वो टेट्राहेड्रल नहीं होता है, क्या हो जाता है? पिरामिडल हो जाता है। इसके बाद इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107.8 हो जाता है। ओके इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 101.8 पिकोमीटर होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर ले। इसके बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोग देख रहे हैं लिटमस टेस्ट के लिए, इट चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, इट इज़ बेसिक नेचर। तो जो भी बेसिक नेचर के होते हैं वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में। और एसिडिक होते हैं तो आप लोग को पता होगा कि ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। तो एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, बेस है तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट। तो अमोनिया रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड किस तरह से डिसोसिएट होती है सभी को पता है, ये डिसोसिएट हो जाएगी H प्लस और Cl नेगेटिव में। और इसके पास क्या होता है? लोन पेयर। तो लोन पेयर किसकी तरफ चला जाएगा? ये यहाँ H प्लस को अपने साथ बॉन्ड कर लेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव है तो ये जो नेगेटिव है वो क्या करेगा? इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होके उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और बना लेगा क्या? अमोनियम। अमोनियम का सॉल्ट है तो अमोनियम क्या फॉर्म कर रहा है? अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह से एक और एसिड हम लोग लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं इस बार, तो बनेगा अमोनियम सल्फेट। इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद एक और सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग फॉस्फेट का। तो अमोनिया का हम लोग इस बार रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ?
फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ, तो ये बना देगा क्या, अमोनियम फॉस्फेट। किस तरह से ब्रेक होंगे, H प्लस एंड PO4 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा NH4 थ्राइज PO4। तो इसको मैं बैलेंस कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है बैलेंस हो गया। तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जैसे ही जो अमोनिया है वो एसिड के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फॉर्म कर रहा है देयर अमोनियम सॉल्ट। HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म किया, और H2SO4 के साथ उसने क्या फॉर्म कर रखा है, अमोनियम सल्फेट, एंड फॉस्फोरिक एसिड के साथ अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन, इसको नोट करें, फिर मैं आगे आप लोगों को इसकी कुछ और रिएक्शंस बताती हूँ। Fe2O3 XH2O now NH4 Cl, तो टोटल Cl है हम लोग के 6 और अमोनिया भी 6 है। इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको हम लोग रस्ट भी बोलते हैं। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड एज अमोनिया इज अ वीक बेस। अमोनिया कैसा बेस है, वीक बेस है। इट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ मैनी मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये क्या करता है कि जो बहुत सारे मेटल जो कि एक्वस फॉर्म में है और उनके सॉल्ट हैं, जो भी मेटल के सॉल्ट हैं और जो एक्वस फॉर्म में हैं, उनके साथ ये रिएक्ट करके उनको प्रेसिपिटेट कर देता है। मेटल को क्या करता है, सेपरेट करके उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ने लिया और जो अमोनिया है उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो अमोनिया को जब भी हम लोग वाटर में ऐड करते तो क्या फॉर्म कर लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इट इज़ अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ओके, नहीं तो फिर बोलना आप लोग कि भाई अमोनिया की बात हो रही थी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आ गया। तो एक बार मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूँ कि अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वही मैंने यहाँ पे लिया है एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या करेगा, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होगा। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड बना के, और नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट सॉल्व बन जाएगा। यहाँ मैंने प्लस नहीं लगाया था, इसको लगा लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड में वही मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है किसका, अमोनिया का, तो फिर से वही चीज़ होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस बार क्या होगा कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और जो OH है वो वाटर फॉर्म करेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और जो अमोनिया है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग इसको, XH2O, यहाँ पे कितने भी मोल H2O हो सकते हैं, ट्वाइस हो सकता है, थ्राइस हो सकता है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। ओके, तो नोट करिए इसको कि जब भी ये हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरह की ये रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, नोट करिए। फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। AgCl का होता है वाइट PPT, और ये अमोनिया के साथ कलरलेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, डाइएमीन सिल्वर वन क्लोराइड। चलिए इसको देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन। तो अमोनिया से हम लोग मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं कि अमोनिया जो है वो मेटल के साथ बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, कॉम्प्लेक्स
कैसे फॉर्म कर सकता है? क्योंकि इसके पास होते हैं लोन पेयर, और कॉम्प्लेक्स दो दो चीज़ों के बीच में फॉर्म होता है, आप लोगों को पता होगा, लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर क्या करते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं उनके लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाती है जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लेकिन यहाँ पर जब वो कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेंगे तो वो लोन पेयर को गेन कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, जिनके पास लोन पेयर है वही सिर्फ उनके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो बहुत ही अच्छा लिगेंड की तरह वर्क कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास होता है लोन पेयर। तो इस तरह से हम लोग जो मेटल होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो होता है एक पर्टिकुलर इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसका पूरा डिटेल आप लोग को बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ अभी इतना बताऊंगी कि जब भी कोई मेटल आयन किसी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो उसमें कलरेशन होता है, कलर जो है वो चेंज होगा, और एक बार जो उसने कलर फॉर्म कर लिया या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया तो फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट आयंस में सेपरेट नहीं हो सकते हैं, डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने बना रखा है अमोनिया हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो बिहेव एज लिगेंड, तो लिगेंड की तरह बिहेव क्यों कर रहा है ये मैंने फर्स्ट लाइन में बता दिया, विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को ये क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं जो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड की क्वालिटी है, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सो इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन, इसलिए हम इसको मेटल आयन के डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेटल जो अमोनिया है उसके साथ एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसका कलर भी क्या होगा, एक करेक्टरिस्टिक कलर होगा, जैसे कॉपर 2+ आयन में लाइट ब्लू कलर का होता है, जैसे अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करता है तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है जिसका नेम है क्यूप्रो अमोनियम आयन। वैसे अगर सिल्वर को डिटेक्ट करना है तो हम सिल्वर का एक सॉल्ट लेते हैं, इसमें इसकी वैलेंसी कितनी है, प्लस है, वाइट PPT होता है, AgCl का सभी को पता है। अमोनिया के साथ ये डाईएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट मेटल के सॉल्ट के साथ या मेटल आयन के साथ जो अमोनिया है वो डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से हम मेटल आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ मेटल में इसका बहुत अच्छा रोल है। चलिए इसको बना लीजिए, फिर मैं आगे की आपको रिएक्शंस बताती हूँ। तो ये इसकी आगे की रिएक्शन डिसोसिएशन, या फिर मैं बोलूँ डिकम्पोजिशन। व्हेन अमोनिया पास थ्रू रेड हैट हॉट ट्यूब, जब हम लोग अमोनिया को रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं, इट गेट डिसोसिएट, ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। तो प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस में ये डिसोसिएट हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन अगर हम देखें तो अमोनिया जो है वो प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंट में बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, ओके। तो ये हो गई इसकी दो रिएक्शन, नोट करिए, फिर मैं आगे इसका हैलोजन के साथ रिएक्शन बता देती हूँ। चलिए इसको नोट करिए। आयोडाइड ऑफ मेलन्स बेस, चलिए यहाँ देखते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। अगर जो अमोनिया है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो यहाँ मैंने देखिए लिख रखा है कि हैलोजन को अगर हम लिमिटेड अमाउंट में लें और जो अमोनिया है हमारा उसको हम एक्सेस अमाउंट में लें, ये लिमिटेड अमाउंट मतलब ये हो गया आपका मिनिमम अमाउंट, ये एक्सेस, तो फॉर्मेशन होती है किसकी,
अमोनियम अमोनियम क्लोराइड की। लेकिन अगर जो हमारा हैलोजन है उसको हम एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, मतलब इस बार ये एक्सेस अमाउंट में हो गया और ये मिनिमम अमोनिया जो है वो मिनिमम अमाउंट में है, तो फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड की, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड की। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ ली जाती है, तो ये आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको देख लेंगे कि जब अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं और हैलोजन को लिमिटेड अमाउंट में, तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, और जब अमोनिया को मिनिमम अमाउंट और हैलोजन को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट में रहेगा वो अपना डोमिनेंस दिखाएगा, तो जैसे अमोनिया ज़्यादा है तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोजन भी अलग हो रहा है, मतलब जितने भी Cl हैं वो सारे के सारे इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और जैसे ही क्लोरीन एक्सेस में आएगा तो वो हाइड्रोजन को सेपरेट पहले ही अपने साथ खींच के क्या बना लेगा, क्योंकि एफिनिटी ज़्यादा होती है, HCl फॉर्म कर लेगा, बचेगा जो नाइट्रोजन उसको भी अपने साथ फॉर्म करके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर जो भी एक्सेस में होगा वो अपनी पावर को दिखा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। तो व्हाट इज नेस्लर रिएजेंट? एक्चुअली में ये अल्कली मीडियम में या अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट 2 होता है। ठीक है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला K2HgI4, पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट, दैट इज कॉल्ड नेस्लर रिएजेंट। इट इज अल्कलाइन, यह मैंने लिख भी रखा है कि नेस्लर रिएजेंट ऑलवेज एक्ट इन अल्कली मीडियम, सो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्या है ये पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट इज कॉल्ड नेस्लर रिएजेंट। ओके, तो ये है हमारा नेस्लर रिएजेंट, अल्कलाइन मीडियम NaOH लिया और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये एक कंपाउंड फॉर्म करता है, आयोडाइड, आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस एंड पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, जितने भी सॉल्ट हैं, देखो पोटेशियम जो है वो सेपरेट होके आयोडीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड बना लेगा, यहाँ पर सोडियम है तो फिर ये आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड बनाएगा, बचेगा हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो वाटर फॉर्म करेगा, मरकरी जो है वो इस तरह का एक कंपाउंड एमीन ऑक्सीजन और आयोडीन के साथ बनाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस। तो एक्चुअली में जो अमोनिया है उसके टेस्ट के लिए भी हम लोग नेस्लर रिएजेंट से पता करते हैं कि जो भी अमोनियम का कंपाउंड है उसमें अगर अमोनिया है या अमोनियम आयन दिया हुआ है पॉजिटिव आयन या कैटायन, तो उसको अगर हमको सेपरेट करना है तो हम इसकी टेस्ट कर सकते हैं नेस्लर रिएजेंट से। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं यूजेस बता देती हूँ इसके, as non-aqueous solvent. तो ये इसके uses हो गए। First use है it is used as refrigerant in fridge, AC, etc. Second है as cleansing agent. Cleansing agent की तरह भी हम लोग इसको use करते हैं, removing of oil and grease को remove करने के लिए। And next is in manufacturing of fertilizers like ammonium sulfate, ammonium nitrate and urea. तो fertilizer के manufacturing में भी इसका use होता है, और इसके अलावा non-aqueous solvent के form में भी हम इसको use करते हैं, और ये काफ़ी explosive होता है, तो जब भी हम इसको transport करते हैं तो liquid state में liquid ammonia ही हम यहाँ पर prefer करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये dangerous होता है, explosive nature का है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग का अमोनिया ओवर हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड नाइट्रिक एसिड हम लोगों को स्टडी करना है, और इसके बाद फॉस्फोरस। तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नाइट्रिक एसिड के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, उसकी प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।